आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि ईद का त्यौहार हमारा और ये भी अपने घरों में स्पेशली और ये भी मैंने भी जिस तरीके से आज मैं बनाती हूँ सभी हमेशा शेर कुरमा हम लोग सब बनाते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये कि आज मैं कुछ डिफरेंट सवैया बनाने के लिए सोचा है, तो ये कि आज मैं बनाती हूँ हमारी सवैया। और ये जिस तरीके से मैं बनाती हूँ तरीके से मैं उसकी रेसिपी दे रही हूँ, इसके लिए मैंने दो पैकेट जो है ये हमारी नवाबी सवैया होती है उसको मैंने बिल्कुल बारीक जो है इस तरीके से तोड़ लिया है, और ये कि ये भुनी भी रहती है, मैंने भुनी भी ली है और उसको मैं मज़ीद और भुनाई करूँगी इसकी। और इसके अलावा जो है ये 4 चम्मच जो है मेरा मिल्क पाउडर है और ये देसी घी है होममेड। और ये सबसे पहले हम पहला प्रोसेस जो है हम अपनी सवैयों को रेडी करेंगे, इसके बाद हम इसका कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में अपना देसी घी ऐड करेंगे इसमें, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास जो है देसी घी है होममेड, तो ये कि मैं इसको इजीली यूज़ करती हूँ। आधा किलो से थोड़ा कम है, और ये कि मैंने ये दूध
बॉयल करने के लिए रख दी। अभी कि जैसे ही बॉयल आएगा तो ये कि फिर मैं इसमें कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको गाढ़ा करूँगी, फिर मैं बताती हूँ आपको आगे का प्रोसेस। सर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने अपने पैन में जो है दूध बॉयल करने के लिए कम से कम आधा किलो मैंने रख दिया है। अब इसके बाद जब बॉयल आने लगेगा तो मैं तमाम चीज़ ऐड करूँगी। ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है, तकरीबन मैं इस जायके के मुताबिक इसमें आधी जो है चीनी यूज़ करूँगी और आधा अपना कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी। इसके अलावा इसके अंदर मैंने ठंडे दूध में जो है एक चमचा जो है कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और एक चमचा मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। ये दोनों मिक्स कर दिए मैंने और इस तरीके से लिक्विड सा बना के मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध में। तो ये कि जिस तरीके से हम अपना कस्टर्ड बनाते हैं सेम इसी तरीके से ये बनेगा। इसके अलावा ये ऑल पर्स की मेरे पास क्रीम है तो ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी, इससे इसका टेस्ट जो है और इन्हेंस हो जाएगा। तो ये कि अब हम चलते हैं, अब हमारे दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें अपना कस्टर्ड ये ऐड करेंगे। देखिए ये गाढ़ा भी हो रहा है, हाथ फौरन फौरन गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही मैं आधा पैकेट जो है इसमें क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑयल पर्स की आधा पैकेट ये मैंने इसमें डाल दिए। इसके बाद जो है मैं इस्तेमाल करूंगी इसमें थोड़ी चीनी, थोड़ी चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़ा कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हम गार्निश के वक्त भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। बस अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये पतला हो भी जाएगा, अगर ज़्यादा हम इसको पकाने लगेंगे तो ये पतला होने का डर है। ये कि अब हम इसी स्टेज पर जो है थोड़ा सा और डाल देते हैं। चूल्हा करते हैं बंद और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें कितना, बिल्कुल कोई लम्स नहीं है इसमें और कितना फ्लफी सा हमारा कस्टर्ड तैयार हुआ है। इस स्टेज पे आप चीनी चख सकते हैं, अगर आपको कम लग रही है तो आप डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम अपने सर्विंग बॉल में ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ये ऐड करेंगे। थोड़ा इसको प्रेस कर करके अब इसके बाद हम अपने कस्टर्ड की इसमें लेयर देंगे।
लेयर देनी है हमें। ये हो गई हमारी, और इसके बाद हम इस तरीके से मैं चारों तरफ अपने समय को फैला देंगे। ये देखिए मैंने ऊपर जो हमारी बची हुई सेवइयां थी उन सब चीज़ों से मैंने गार्निश कर दिया है, और अपने बादाम मैंने ग्राइंड कर लिए थे वो मैंने गार्निश कर दिए, खोपरा डाल दिया है मैंने ऊपर से पिसा हुआ, और ये कि मैंने ऊपर से कुमेल को भी अच्छी तरीके से गार्निश कर दिया है। अब हम इसको 2 से 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो इस ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। और ये कि यहाँ इस लजीज बनता है ये, और काफ़ी चीज़ों से तैयार करा हुआ है, तो यकीनन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, तो ये कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ अपनी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।